वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट नंबर चेक करेंगे कि गिवन नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। परफेक्ट नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर एक्सक्लूडिंग द नंबर इट्सेल्फ। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 6 है, तो 6 हमारा परफेक्ट नंबर है इस वजह से क्योंकि इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स जो हैं 1, 2, 3 और 6। 1 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 2 से 2, 3 जा 6 होता है, 3, 2 जा 6 होता है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। और 6, 1 जा 6, तो 6 के डिवाइजर्स 1, 2, 3, 6 हैं। और परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन कहती है कि ये सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम होता है एक्सक्लूडिंग द नंबर, यानी हमें नंबर 6 को ऐड नहीं करना है। तो सम ऑफ डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर हो जाएगा 1 + 2 + 3, ये 6। तो ये 6 नंबर के बराबर ही है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट नंबर। सो 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। सिमिलरली अगर 4 को देखते हैं तो 4 के परफेक्ट डिवाइजर्स हो जाएंगे 1, 2 और 4। तो 1 + 2 = 3, जो कि 4 के बराबर नहीं है नंबर के बराबर, तो 4 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि गिवन नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कोड बनाते हैं और अब कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज़र से नंबर गेट कराते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इनपुट और इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एंटर द नंबर टू चेक। और ये इनपुट जो है स्ट्रिंग टाइप होगा, तो हम लोगों को इसको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं लिखूंगा इंटीजर, फंक्शन यूज़ करेंगे और इस इनपुट को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे इंटीजर। अब ये इंटीजर पे कन्वर्ट होने के बाद नंबर जो है हमें एक वेरिएबल पे स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक वेरिएबल जिसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ नम, num नंबर नम, और नम मेरा वेरिएबल होगा जिसमें कि यूज़र का इनपुट स्टोर हो जाएगा। हमें यहाँ पर एक सम भी करना होगा, तो मैं एक सम वेरिएबल ले लेता हूँ सम, और इनिशियली इसको 0 कर लेते हैं समीशन को। और नेक्स्ट में हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके बिलो जितने भी नंबर हैं सबको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हैं तो उनको हमें नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। फॉर लूप यूज़ करते हैं फॉर आई इन रेंज, और रेंज होगा मिनिमम होगा स्टार्ट 1 से, और कहाँ तक जाएगा वो जाएगा हमारा नम तक। वो ऐसे है कि देखिए यहाँ पर नंबर फॉर एग्जांपल 6 था, नम हमारा जब 6 एंटर होगा तो हमारा डिवीजन जो है 1, 2, 3, 4, 5 सारे नंबर डिवाइड करने हैं, और 6 को वैसे भी एक्सक्लूड करना है। लास्ट नंबर अगर डिवीजन हो भी रहा है तब भी उसे एक्सक्लूड करना है, इसलिए हमें नम तक ही इसको चाहिए होगा। नेक्स्ट चेक करेंगे क्या मेरा ये नंबर जो है नम नंबर है वो डिविजिबल है आई से, क्योंकि आई जो है नंबर वो वेरी करेगा 1 से लेकर num -1 तक। तो ये चेक करने के लिए कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन को, और इफ़ नम नंबर मॉडुलस आई, तो हम यहाँ पर आई यूज़ करेंगे। तो आई से डिविजिबल अगर कम्प्लीटली होगा तो हमें 0 रिटर्न होगा, और अगर ऐसा कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हमारा जो सम है वो सम ऐड हो जाएगा जो भी सम था प्लस ये नंबर, तो ये नंबर हमारा समीशन में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे, और फिर लास्ट में हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो भी सम हमारा हुआ है वो क्या नंबर के बराबर है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था ये सारे सम्स कर लिए और सम क्या नंबर के बराबर है। तो इसमें हमें यहाँ पर बाहर आके इस फॉर लूप के इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ सम इज़ इक्वल टू नंबर num जो वेरिएबल है हमारा, और अगर ये नंबर के बराबर है इसका मतलब कि ये नंबर जो है हमारा परफेक्ट नंबर है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट ले लेता हूँ प्रिंट, और नंबर प्रिंट करेंगे हम लोग और ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पर इज़ अ परफेक्ट नंबर। अगर ऐसा नहीं हो पाता है एल्स कंडीशन में आ जाते हैं और एल्स लिख देंगे प्रिंट ये जो नंबर है ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो ये हमारा लॉजिक था इसका बिल्डअप करने के लिए, नंबर चेक करने के लिए कि परफेक्ट नंबर है या नहीं है। और इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए एंटर नंबर टू चेक, और फिर यहाँ पर मैं 4 प्रिंट करता हूँ तो आ रहा है 4 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर।
और अगर इसको दोबारा रन करते हैं और यहाँ पर 6 करते हैं तो 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर हम लोग को मालूम है। और सिमिलरली नेक्स्ट नंबर जो है परफेक्ट नंबर वो 28 है और उसको हम प्रिंट करते हैं तो 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। तो जैसे हमारा नंबर परफेक्ट नंबर चेक हो रहा है कि गिवन नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है।